बीजेपी के राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। जी हां, युवा संसद के कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने दिए हैं ऐसे संकेत कि यदि उन्हें पार्टी कहेगी तो वो झाड़ू भी लगा लेंगे और यदि पार्टी का आलाकमान से हुक्म हुआ तो वे आकर इंदौर में बनेटी भी घुमा देंगे। ताई की सीट पर भाई की नजर, इंदौर लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश बोले, इंदौर से घुमाऊंगा बनेठी। 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन ताई एक बार फिर अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेत पिछले दिनों दे दिए थे और कहा था कि इंदौर की चाबी फिलहाल वही संभालेंगे। लेकिन इंदौर से ही एक संकेत और मिला जिसने शहर की सियासी फिजाओं का रुख बदल दिया। दरअसल युवा संसद में कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए कहा कि अगर पार्टी उन्हें झाड़ू लगाने का कहती है तो झाड़ू भी लगाऊंगा और अगर कहेगी तो इंदौर से बनेठी भी घुमाऊंगा। पार्टी अगर कहेगी कि जाके तुम हरियाणा में झाड़ू लगाओ, मैं हरियाणा में झाड़ू लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में झाड़ू लगाओ तो बंगाल में पार्टी घुमा दूंगा, पार्टी का निर्णय पर अभी मैं बंगाल में। बता दें कि इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में हलचल शुरू हो गई है, जिसको लेकर संभागीय स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यानी भाई सक्रिय हो गए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और महान कवि सत्यनारायण सत्तन भी कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ाने की मांग कर चुके हैं। समय का भाव आना चाहिए, इस शहर में लड़ने के लिए योग्य उम्मीदवार है, कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वो एक उत्कृष्ट कोटि का नेता माना जाता है, यहाँ पर सर्वमान्य नेता माना जाता है। रमेश मेंदोला प्रदेश में सर्वाधिक वोटों को प्राप्त करने वाला नौजवान कार्यकर्ता है, उसको लड़ाया जा सकता है। ऐसी ऐसी योग्य प्रतिभाएं यहाँ पर हैं, उन योग्य प्रतिभाओं के रहते हुए अगर इस तरीके का आचरण होता है तो वो कहीं से कहीं तक श्रेष्ठ कर्मी। महाजन जी, यदि अविभाजित योद्धा पराजित योद्धा है तो कैलाश भी उसमें से एक है जो अपराजित योद्धा है। ये तो एक बार पराजित भी हुई है, वो पराजित योद्धा नहीं है। कुल मिलाकर इंदौर की चाबी आलाकमान किसके हाथों में देगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इंदौर के सियासी गलियारों में कैलाश विजयवर्गीय के इस छोटे बयान के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।